कुलसुम मुझे तुम चाहे बख्तु इधर आओ, क्या कर रहे हो इधर, क्या कर रहे थे तुम? बख्तु बख्तु क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे? मैंने क्या किया? क्या किया है? मैं बताऊं क्या किया इसने? नहीं नहीं, खुदा का वास्ता है, क्यों नाहक हाथ उठा रहे हो मेरे बेटे पर? शरीफों के घर झांक रहा है आपका बेटा, सारा दिन बाहर आवारा गर्दी करके बिना इसका पेट नहीं भरता, इसलिए घर के अंदर असलियत दिखाना शुरू कर। मैंने किसी के घर नहीं झांका और मुझ पे हाथ उठाने का कोई हक नहीं आपको। हक बताओ तुम्हारा हक? मेरे घर में रहते हैं और मुझे ही आंखें दिखा रहे हैं। मुफ्त में नहीं रहते, किराया देते हैं, और किस पे किसका क्या हक है ना, वो बहुत जल्दी पता लग जाएगा। अच्छा, आपके बेटे ने धमकियां देना भी सीख लिया, मुबारक हो आपको। महीना खत्म होते ही ना तुम्हें तुम्हारी माँ को घर से उठा के बाहर फेंकूंगा मैं। चुप, खुदा से डरो, खुदा का खौफ खाओ। अरे सारा मोहल्ला जानता है मेरे बेटे की शराफत को, इसको सफाइयां पेश करने की जरूरत नहीं है। मास करो, तुम चलो। आइंदा इसने टांका झांकी की ना, इसकी लाश यहीं गिरा दूंगा मैं। कुलसुम कुलसुम, आजो बख्तू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हुआ, कुछ हुआ? सर वो सर आपकी शाम में मीटिंग है, मैंने कहा मैं आपको याद दिला दूं। जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब तो दो, लड़के आए हो किसी से? नहीं सर, वो बस सर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। छुट्टी कर लेते आज, अब सही हूँ। सब वो आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। सब वो नूरा है ना? वो उसको हुरिया मैडम लेके गई है सर। तो कुछ नहीं सर, सब मैं सिर्फ ये कह रहा था कि वो थोड़ी सी ना समझ है, मासूम है सर, वो यही काम कर ज्यादा बेहतर। काम करने आई है, यहाँ करे या वहां करे एक ही बात है,